अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनकम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद, दुआ, प्रार्थना हमेशा आप लोग के साथ है और हमेशा रहेगी, ये दिल से दुआ है। आज जो है मैं आप लोगों को एक ऐसा गाना सुनाने वाली हूँ, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा। पाकिस्तानी मोस्ट टैलेंटेड सिंगर जैसे मैं कहूँगी, जिन्होंने अक्सर आपने लोगों के मुँह से सुना होगा, यार मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया, मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया, लेकिन ही इज़ द वन जिन्होंने वाकई ज़ीरो से स्टार्ट किया और आज ये इतनी बुलंदियों पर गए अपनी मेहनत, अपने टैलेंट की वजह से। और ही इज़ वेरी शाई गाय, इज़ वेरी डाउन टू अर्थ, हम्बल, शाई और ब्रिलियंट सिंगर है। और मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने इनको सुना होगा, जिनका नाम है कैपी कलीन। कैपी कलीन जो है, मुझे मैंने इनका पहला गाना सुना था कोक स्टूडियो में, कोक स्टूडियो का, और उस गाने का नाम था कन्हैया रे कन्हैया का। अच्छा, ये गाना जो है, इस गाने का नाम है जुर्माना। जुर्माने का मतलब होता है कि कोई आपने फॉर एग्जाम्पल गलती कर दी या कुछ हो गया तो आपको उसको पे करना पड़ेगा, पे लाइन लाजमी यूज़ करना, तो उसको जुर्माना कहते हैं। रिटन एंड कंपोज एंड प्रोड्यूस बाय कैफी फली, खुद ही उन्होंने लिखा है, कंपोज किया, प्रोड्यूस भी किया है। ओके, तो अभी हम चलते हैं इस गाने की तरफ। और गाइन, ऑनेस्टली मैं आपको एक बात बताऊं, जो लोग कहते हैं ना कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, चक बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है, कहा जाता है, और ट्रस्ट मी ऐसा ही है। मैं कहीं गाना सुन रही हूँ और मुझे ना ऐसा लग रहा है मेरी सारी थकावटें, नेगेटिविटी निकल रही है। वैसे तो मैं नेगेटिव इंसान भी हूँ, लेकिन मेरे आसपास बहुत कभी कभी नेगेटिविटी होती है, तो मैं फिर बर्दाश्त करती हूँ, फिर मुझे ऐसा लगता है कि निकाल दूँ तो ज़्यादा बेहतर है। इनकी स्टोरी मैं आपको बताऊँ, इनके बारे में कहा जाता था, देखिए लाइक आप जब स्ट्रगल करते हैं ना लाइफ में, आप हर तरह के हालात देखते हैं, इनके बारे में कहा जाता है, ऐसी स्टोरीज होती हैं बहुत सारी कि ये किसी को पसंद करते थे और फिर उन्होंने इनको रिफ्यूज़ किया क्योंकि ये इतने इस्टेब्लिश नहीं थे, कुछ नहीं करते थे,
और देखें आज ये कैसी कली है यार। बट आज वो लड़की पछताए क्योंकि जब आप प्यार ठुकरा देते हैं तो फिर पैसा फेम आ जाए तो वो प्यार पलट के आए वो बात नहीं रहती, और उस प्यार को पलटना पलट के आना भी नहीं चाहिए क्योंकि जिसे ठुकरा दिया उसने ठुकरा दिया और आपको भी उसे एक्सेप्ट नहीं करना। अगर वो सच्चे दिल से शर्मिंदा हो माफ़ी मांगे तो फिर आपकी मर्जी है, बट ये मैं ऐसे बता रही थी। हरी गलील ने बहुत स्ट्रगल किया इनकी लाइफ में, ये खुद बताते हैं, कई एक इंटरव्यू मैंने सुना था कि इन्होंने दिहाड़ी मजदूरी जो होती है ना लेबर, आप एज अ लेबर काम करते हो, 200-300 रुपये में भी काम किया, टैलेंटेड थे और आज तक ये वैसे ही हैं, वैसे ही हम इतने बड़े बड़े शोज़ करते हैं, शोज़ में गाते हैं, कॉन्सर्ट्स होते हैं इनके, हम टीवी बहुत सारे चैनल्स पाकिस्तानी जो हमारे चैनल्स उन पर ही आते हैं, लेकिन स्टिल डाउन टू अर्थ हम्बल और बेसिक पॉजिटिव, और इनको इंडिया में भी बहुत पसंद किया जाता है। सर मैंने बहुत सारा इनका एक गाना आया था, कहानी सुनो जुबानी सुनो हवे प्यार हुआ था, मेरी आवाज़ बिल्कुल अच्छी नहीं है, आई नो आई कॉन्ट सिंग, बट फिर भी इनके गानों का जादू और खुमार कुछ ऐसा है कि इंसान का दिल चाहता है वो भी गाए। सो वो गाना बहुत हिट हुआ था, मैंने बहुत सारे एक्टर्स की और एक्ट्रेसेस की रील देखी थी उस गाने पर। सो एनी वेज आई होप कि आप लोगों को भी कैफी कलीग के गाने अच्छे लगते हैं, और आप जिन्होंने नहीं सुना प्लीज़ आप इनके सुनिएगा, बहुत सारे लोग मेरे यूट्यूब फैमिली में इनको नहीं जाते, इनका एक गाना है गाना यारी लाजमी सुनिएगा, कहानी सुनो सुनिएगा आपको बहुत अच्छा लगेगा, और जिन्होंने सुना उन्होंने ये गाना भी सुन लिया। सो स्टे ट्यून्ड स्टे पॉजिटिव स्टे कनेक्टेड आई लव यू ऑल।